नमस्कार, मैं श्वेता अक्केवार। दिवाली और पटाखे इन बीसीएन के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दिवाली जश्न है बुराई पर अच्छाई की जीत का। दिवाली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह त्यौहार देश में प्रदूषण और पशु पक्षियों की मौत का भी कारण बन गया है। जिन पटाखों की आवाज़ सुनकर इंसान के बच्चे तालियां बजाते हैं, वो आवाज़ पक्षियों के बच्चों की जान तक ले लेती है। दिवाली पर आतिशबाजी से होने वाली तेज आवाज़ से कई नन्हे पक्षियों की मौत हो जाती है। यही नहीं, प्रदूषण के चलते 25 से 30 फीसदी पक्षियों का श्वसन तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। एक शोध के अनुसार 90 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक होती है। सर्द ऋतु के प्रारंभ में ही अधिकतर पक्षियों का प्रजनन काल पूरा हो जाता है। इस समय पक्षियों के घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे हैं, गौरैया, मैना, कौवा, तोता, पाइट बुशचैट आदि पक्षी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आबादी के आसपास ही घोंसला बनाते हैं। इसमें मादा पक्षी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पालती रहती है, लेकिन उन बेचारों को जरा भी आभास नहीं होता कि उनके लिए खौफनाक रात भी आने वाली है। दिवाली की रात तेज आवाज वाले पटाखे जलाए जाते हैं। यह आवाज कई नन्हे पक्षी सहन नहीं कर पाते और दहशत से उनकी मौत तक हो जाती है। बीते वर्षों में इस तरह के कई मामले देखने में आए हैं। वयस्क पक्षी भी पटाखों की तेज आवाज से सहमे रहते हैं। तेज आवाज के साथ ही वायु प्रदूषण का पक्षियों व पशुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दीपावली के बाद 25 से 30 प्रतिशत पक्षियों के श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। दीपावली पर आतिशबाजियों का शोर गांव की अपेक्षा शहरों में ज्यादा होता है। शहर में पालतू जानवरों पर भी पटाखों के शोर और वायु प्रदूषण का बहुत भयानक प्रभाव पड़ता है। कुत्ते, गाय, भैंस आदि पशुओं में दीपावली की रात बेचैनी स्पष्ट देखी जा सकती है। उनके फेफड़ों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षियों के साथ ही पटाखों की आवाज से बच्चे, बुजुर्ग सभी को परेशानी होती है, तो इसीलिए अपनी प्रकृति के प्राकृतिक दोस्तों को न भूले, प्राकृतिक दिवाली मनाएं। के सभी दर्शकों को इको फ्रेंडली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।